हेलो गाइस एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कुछ इस तरह बनने वाला है कि आज लगाएंगे स्कूटी में फॉग लाइट। तो ये कस्टमर आया है मेरा यूट्यूब वीडियो देखकर। जी हाँ दोस्तों, ये यूट्यूब वीडियो देखकर मेरे पास आ गया है फॉग लाइट लगाने। तो अब मैं इस फॉग लाइट को लगाऊंगा स्कूटी पे, किस तरह से लगाऊंगा ना लगाऊंगा वो मैं सबको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस होगा, सब कुछ दिखाऊंगा, पूरा इंस्टॉलेशन क्या क्या है ना है वो सब कुछ पूरा वायरिंग डायग्राम के साथ दूंगा दोस्तों। क्योंकि बहुत लोग कह रहा था कि अगले वीडियो में जो पहले बनाया था मैं जो फॉग लाइट का वीडियो, उस वीडियो में कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाया है। तो मैं इस बार थोड़ा डायग्राम देके समझाऊंगा, अगर आप लोग समझ पाते हो तो अच्छा है। ये चार स्क्रू खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो खोलने के बाद ये फॉग लाइट मैं इंस्टॉल करूँगा, तो किस तरह क्या होता ना होता तो तब तक देख लीजिए। फॉग लाइट को कुछ इस तरह से लगाऊंगा, थोड़ा डेमो करके दिखा रहा हूँ मैं, तो आप लोग देखो। तो फाइनली मैंने चारों स्क्रू खोल लिया है, तो आप इसको निकालेंगे तो देख लो किस तरह से। तो ये देखो अब निकालूंगा मैं इसको, तो कुछ इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चारों स्क्रू खोल लेना है और ऊपर से इसको थोड़ा खींचना है। जस्ट थोड़ा नीचे से दबाएंगे और ऊपर से खींचेंगे तो इजीली ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो कुछ अंदर से इस तरह दिखता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा नया गाड़ी है इसीलिए ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है इसमें, पूरा एकदम टिप टॉप कंडीशन है, देख सकते हो आप लोग। पूरा नया गाड़ी है, 2 महीने का ही गाड़ी है सिर्फ। तो आप लोग देख सकते हो ये ब्रेक शू आता है, ये ब्रेक शू डिक्स पैड के ब्रेक शू आते हैं, तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने एक को मोड़ लिया है, कुछ इस तरीके से फिट करूँगा, फॉग लाइट इसके ऊपर बैठ जाएगा दोस्तों। ये डायरेक्ट जो नट बोल्ट जहाँ पे था वो वैसे ही लगा दूँगा। आप लोग देख सकते हो कितना ईजी तरीका है, ये देखो डेमो करके दिखा रहा हूँ, एकदम ईजी प्रोसेस है, कहीं भी लगा सकते हो आप लोग ऐसा। अगर ब्रेक शू आपके पास होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो आप गैरेज वाले से बोलो, वो दे देगा, फ्री में दे देगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब एकदम कचरा है सबके लिए। तो मेरे पास ये खजाना है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ फॉग लाइट लगाने के लिए, कोई ब्रैकेट बनाने के लिए, बहुत सारे काम में यूज़ होता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो अभी मैं इसका जो वायरिंग डायग्राम है इसको मैंने छीन लिया था इसको, तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैंने कनेक्ट भी कर दिया उसके साथ इग्निशन के पॉजिटिव में, जो इग्निशन में जो निकलता है, जो आउटपुट आता है उसका पॉजिटिव से मैंने जोड़ दिया तार को, स्विच को। तो ये खोला था, ऐसे ही खोला था इस चीज़ में चेक करने के लिए अंदर क्या क्या है ना है। इसमें देखा एक चीज़ कि अंदर जो CDI वगैरह है वो सब कुछ एकदम कवर अप करके दिया हुआ है इस गाड़ी में, जैसे पानी वानी ना लगे बारिश के कारण। बहुत टाइम क्या होता है पल्सर में पानी लग जाता है, CDI एकदम उसका जाता है, करंट नहीं आता, तो इसीलिए तो इसका बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है, कवर अप कर दिया सब कुछ, सारा सिस्टम, जैसे रिले भी कवर अप करके दिया हुआ है अंदर, सब कुछ देख रहा था अंदर खोल खोल के। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक ब्रैकेट लगा लिया है, दूसरा ब्रैकेट भी अब लगा लूँगा। तो किस तरीके से क्या होता ना होता है पूरी वीडियो को देखो। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब को दबा के ऑल कर दे, जैसे कि मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सको। तो आने वाले वीडियोस पे मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, सेकेंड हैंड बाइक मार्केट दिखाने वाला हूँ, हायाबुसा रेप्लिका भी दिखाऊंगा किस तरीके से बनता ना बनता है, और भी कई चीज़, जैसे कि एप्पल का मोबाइल आप लोगों ने देखा था कि वो कॉपीज़ आते हैं, सैमसंग का मोबाइल बच्चों ने मैंने देखा था कॉपी आ रहा था, लेकिन अब लैम्बोर्गिनी भी दोस्तों कॉपी आ रहा है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाली वीडियो में, वो लैम्बोर्गिनी का भी वीडियो मैं बना के दूंगा दोस्तों किस तरीके से क्या होता है। तो देखो मैंने ये फॉग लाइट लगा लिया फिलहाल, तो आप लोग देख सकते हो। तो आप इसका वायरिंग करेंगे, वायरिंग का क्या होगा ना होगा वो मैं डायग्राम दिखा के बताता हूँ, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले, तो ये देखो मैंने स्विच भी लगा लिया है, ये स्विच साइड में लगा लेंगे। तो मैंने पहले भी स्विच में इसमें पावर दे दिया है, तो अब क्या है डायग्राम दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हमारा वायरिंग आता है कुछ इस तरह, आप लोग देख सकते हो। ये है बैटरी, बैटरी के साथ डायरेक्ट पॉजिटिव से आया, ये हमारा इग्निशन की, जब भी हम लोग चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन कर लिए, ठीक है, तो करेंट यहाँ से ट्रेवल किया, ओके। तो अभी यहाँ से प्लस वाला जो पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव यहाँ से ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक चाबी ऑन करने पर, ठीक है। तो चाबी ऑन करने पर फिर ये जाता है स्विच पे, जो मैंने स्विच लगाया था वहाँ पे साइड पे, वो स्विच, ठीक है, स्विच पे कनेक्शन आ गया। जब भी ऑन करते स्विच ऑन कर लिए, फिर करंट ट्रैवल करेगा यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हो पूरा एकदम कनेक्शन रेडी हो गया। अब मेरा फॉग लाइट का जो दिख रहा है आप लोगों को,
तो पॉजिटिव वाला रेडी हो गया दोस्तों। तो अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव वाला हम लोग अर्थ कर देंगे या फिर चेसिस में कहीं भी ग्राउंड कर देंगे दोस्तों, तो मेरा कनेक्शन एकदम रेडी हो गया दोस्तों। तो कुछ इस तरीका का है, आप लोग देख सकते हो, मैं पहले भी मैंने जो किया हूँ वो थोड़ा समझ लो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी तरीका है, आप लोग देख सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको भी करवाना है तो आप लोग मेरे पास कमेंट करके बता सकते हो, मेरा दुकान में आ सकते हो, वहाँ विजिट टू माई वर्कशॉप, तो मैं आपको करके दूंगा। तो इजी है, कोई झंझट का काम नहीं है। देखो वायरिंग कुछ इस तरीके का आता है, मैं पहले एक थोड़ा लाइट लगाया था जो ग्राउंड कर रहा हूँ, देखो ग्राउंड करने से लाइट जल रहा है, तो कुछ इस तरीके का आता है वायरिंग, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा अभी थोड़ा म्यूज़िक चला देते हैं, थोड़ा म्यूज़िक भी सुन लो। Time for sure.